मालगाड़ी का जो आखिरी दो डिब्बा है हमारे नाम पे है, सारा लोहा हमारे आदमी डलवा देंगे, यहाँ पहुँचते ही हम उतार लेंगे, बाकी का जो लिखत पड़त है आप देख लेंगे। प्रणाम प्रणाम गरड बाबू, प्रणाम प्रणाम गरड बाबू है ना आप ये मालगाड़ी के? हाँ, हिलना मत, काट देंगे वरना। अच्छा क्रॉसिंग आ रही है, तुम बत्ती जलाओ, हम इसकी बत्ती आप कर दे सारे। सांसों को साफ सुंगा के जंगली दिल चटारा के क्या खेलूंगा तेरी, क्या खेलूंगा। अपनी गाड़ी है पीछे वाली, दो भागी हमारी है, चल 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 ले लो, हाथ खोल दो। वहां यूनिवर्सिटी बनेगा, तंबू थाने चाहे जगह। जमीन किसका है? नहीं समझेगा तो बचना हो बच ले, जिसमें बचना हो बच ले, बच मेरी जान तेरी कह के लूंगा, तेरी कह के लूंगा। यही फसा, कोई आदमी अवैध कब्जा कर रहा है जमीन पर। कौन? अरे कौन कब्जा कर रहा है? सरदार खान। कौन सरदार खान? वही जो अपने असगर की जीप चलाता है धनबाद स्टेशन पर ना। अरे अपने लोगों को लियाता ले जाता है जैसे। अरे वो कब से इतना बड़ा गुंडा हो गया? ऑफिस बुलाओ उसको। नहीं आएगा। कहे? बोले थे उसको तो कहने लगा कि सौदा करना है तो उसके पास आना पड़ेगा। और यहाँ हम 10 आदमी खड़ा कर देंगे तो क्या कर लेगा? कल तक हमारे लिए गाड़ी चलाता था, आज हमसे सौदा करेगा वो? जेपी। अरे बाजू कह रहे काट कर रख देंगे हम। जेपी। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो, उसके मुंह लगोगे अपने बराबर बैठा हुआ अच्छा लगेगा। तो हम क्या करें? अवैध तरीका अपना रहा है, तुम वैध तरीका अपनाओ। धनबाद थाना तुम्हारे हाई कमांड में आता है ना, बुलाओ एसपी को खाने बुलाओ, उसके मुंह में तार डाल के कार किसी प्लाट में पतंग ने उड़ाई तो हमारा नाम नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छे से नजर उतार लेना, फिर जाने कब नजर आए। अरे सलाम यादव जी। बाबूजी
सरदार को रामाधीर सिंह नहीं पहचानता, शायद मुझे भी नहीं। हालांकि उसने देखा तो था मुझे शहीद के साथ, लेकिन अपना छाता जरूर पहचानता था। ये वो जमाना था जब बड़े लोग अपना नाम भूल जाते थे लेकिन अपनी जमीन अपना सामान नहीं। अरे कहां लिखा है जमीन आपका है? आपका है तो कागज दिखाइए। जमीन हमारे लोगों का है, डील कर चुके हैं हम। और ये जो अवैध कब्जे का जो तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के बोलिए सिंह साहब, वैध अवैध का फर्क हमको मत समझाइए। ये रहा जमीन का कागज, पूरा 10 रुपये में खरीदे हैं। 10 रुपये में? तुमको पता है कि हमारे सामने औकात क्या है तुम्हारी? एसपी साहब, अपना कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। विधायक साहब, चाहे जितना बड़ा हो जाए कि नीचे ही रहता है। तुमको पता नहीं कौन है विधायक? मैं हाथ उठाता तुम आपको नहीं पता हम कौन है? घर वापस जाके जब अपने पिताजी का खुजा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। एसपी साहब, एक विधायक को सरेआम थाने में थप्पड़ मारने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? पर एसपी साहब, हम हो जाएंगे अब तो, अंदर ले। बाबूजी, अरे आप वहां पे कुछ तो... गाड़ी स्टार्ट करो। समझेगा क्या? समझेगा वही ना जो ये है। बिना जानकारी के किसी को भी नौकरी पर रखेगा? पहुंचा दे गए हम। अरे हमको नहीं पता था बाबूजी कुछ। देखो सब, देखो अपने विधायक को पिटते हुए, सांप को पाल रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो? हमने काहे मार रहे हो? तुम बीच में ना महाविक, तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही जानी हो उस कपूत के। विधायक बनेंगे विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।